बस्तर संभाग में भाजपा पदाधिकारियों की हत्या के विरोध में भाजपा के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आज जिले के छुरा, राजिम, फिंगेश्वर, पांडुका, मैनपुर, धरवा, गुड़ी और देवभोग में दोपहर 2 से 4 तक चक्का जाम रहा। इसमें नेशनल हाईवे 130 सी पर आंशिक रूप से यातायात बाधित रहा। जिला मुख्यालय में आयोजित चक्का जाम आंदोलन के प्रभारी गफ्फू मेमन व मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र सोनटेके चक्का जाम आंदोलन को सफल बनाने में जुटे रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पूर्व सांसद चंदूलाल साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ शांत क्षेत्र है, किंतु दुर्भाग्य है कि यहां की सरकार लोगों के बीच भय, आतंक और डर पैदा करके विपक्षियों को दबाना चाहती है। नक्सलियों के नाम पर जो सुनियोजित षड्यंत्र रचा जा रहा है, प्रदेश में कानून व्यवस्था की यही स्थिति है। बीते 4 सालों में 6,000 से अधिक महिलाओं एवं युवतियों का अपहरण हो चुका है। वहीं 65,000 युवतियों और महिलाओं का बलात्कार हो चुका है। पालिका के अध्यक्ष और कार्यक्रम के संयोजक गफ्फर मेनन ने कहा कि लगातार आतंक और भय के चलते छत्तीसगढ़ अब अशांत हो चला है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बस्तर में हत्या यह बतलाता है कि छत्तीसगढ़ में अब कानून व्यवस्था नहीं रहा। चक्का जाम के बाद भी अगर प्रदेश में शांति व्यवस्था स्थापित नहीं होती तो आगे भी आंदोलन करेंगे। नवंबर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ की जनता ये दिखाएगी कि वाकई में ये एक सिर्फ भ्रष्टाचार की सरकार थी और भ्रष्ट के लिए ही ये बने थे। आज हमारे जैसे नगर पालिका क्षेत्र में आवास को ले लो, जल के लिए ले लो, केंद्र गवर्नमेंट से पैसा आता है लेकिन राज्य गवर्नमेंट पैसा रिलीज नहीं करती। आज गरीब को मकान चाहिए, मकान उनको उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है। और आज देख रहे हैं कि जिसके जिसके यहाँ छापा पड़ रहा है, करोड़ों, किसी के यहाँ 200 करोड़, किसी के यहाँ 300 करोड़। आज कई ऐसे अधिकारी हैं जिनके यहाँ जो आज जेल में हैं, ये साबित करता है कि ये कांग्रेस की सरकार सिर्फ भ्रष्ट सरकार है, दिखावा की सरकार है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं को टारगेट करके हत्या की जा रही है। भूपेश बघेल सोई हुई है, उसके समय कोई कार्रवाई नहीं किया और इसी के कारण है कि एक माह में 3 हत्याएं हो गई। और पूरा देखा जाए तो हमारे पूर्व विधायक भीमा मंडावी जी की हत्या पहले हुआ, तो दंतेवाड़ा के विधायक थे, उसके बाद एक हत्या हुआ, उसके बाद हमारे जिला के उपाध्यक्ष की हत्या हुआ, एक मंडलाध्यक्ष की हत्या हुआ, पूर्व सरपंच की हत्या हुआ, लगातार हत्या का सिलसिला जारी है। कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के स्वाह में ये हत्याएं हो रही है। ये भूपेश बघेल सोई हुई है, उसको जगाने के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हर चौक चौराहे पर आज चक्का जाम का आयोजन किया गया है। और निश्चित रूप से भूपेश बघेल जो हर क्षेत्र में असफल साबित हुआ है, और इतना ही नहीं, ये छत्तीसगढ़ प्रदेश बहुत सीधा साधा प्रदेश, शांत प्रदेश है, आज इसको अशांत कर दिया है। जब से कांग्रेस की सरकार आई है, 4.5 साल, 4.25 साल हो रहा है, कहीं पर भी विकास नहीं हो रहा है।